परसवाड़ा में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मोहम्मद पैगंबर पर विवादित बयान देने वाले भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर राजद्रोह और आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर जुमा नमाज के बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी जामा मस्जिद परसवाड़ा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के नाम परसवाड़ा तहसीलदार सरिका परस्ते को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से परसवाड़ा के मुस्लिम समुदाय ने कहा यह मांग की है कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है जिससे पूरी दुनिया में मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है। इसी तारत में मुस्लिम समाज परसवाड़ा के व्यापारियों ने सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी अपनी दुकानें बंद कर शांतिपूर्वक रोष प्रकट किया है। इस दौरान परसवाड़ा सदर डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, नायब सदर राजीव खान, सुल्तान अहमद सिद्दीकी, हमीद खान, अख्तर खान, फिरोज खान, तलत खान, एजाज खान, इद्रीस अहमद सिद्दीकी, कादिर भाई हाजी, इब्राहिम कुरैशी, वसीम खान सहित अन्य की उपस्थिति रही। मुस्लिम जमात परसवाड़ा में जो व्यापारी संघ हमारे हैं मुस्लिम समाज के, उन्होंने जो देश के अंदर में हमारे इस पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी की है, अपशब्द का प्रयोग किया है नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनके ऊपर वही कार्रवाई की जाए जो देश के मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर होती है। कोई भी काम वो गलत करते हैं उससे उनके ऊपर भी राष्ट्र द्रोह का मुकदमा चलाया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसी रोष को लेते हुए तमाम मुस्लिम जमात परसवाड़ा के व्यापारी संघ ने सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक शांतिपूर्वक अपनी समस्त दुकानें बंद करी, व्यापार बंद रखा। और अब हमारी ये मांग है कि ये जो हमने रोष आज शांतिपूर्वक किया है, ये रोष हमारा बरकरार रहेगा जब तक के नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जो है भारतीय कानून के हिसाब से वैमनस्यता खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम राइट्स करने के लिए जो उन्होंने गलत शब्द का उपयोग किया हमारे इस्लाम में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में, उनको सख्त सख्त धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। और मुसलमान पूरे देश का बल्कि नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनकी शान पे अपनी जान देने को तैयार है, और ख़ासकर हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान नबी की तरह, नबी को जिस तरह अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उनके नाम पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। इसी तरह पूरे देश का, हमारे भारत का मुसलमान जो है, इस देश अपने वतन के लिए भी अगर इस पर कोई आँच आती है तो अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। लोगों ने गलत फहमी डाल के रखी है कि मुसलमान जो है देशभक्त नहीं है। मुसलमान सबसे ज़्यादा देशभक्त है, उसको सरकार को आजमाना चाहिए। मुसलमानों को बड़ी बड़ी जगहों में, फोर्स में और पुलिस में नौकरी में लेना चाहिए ताकि मुसलमान अपनी जज्बात का, वतन परस्ती का सबूत दे सके। हमारी ये भारत सरकार में मोदी प्रधानमंत्री मोदी से और गृहमंत्री अमित शाह से ये दरख्वास्त है कि जितने भी इस्लाम के खिलाफ में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो गुस्ताखी करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करें ताकि आइंदा दूसरे लोग भी इनको इबरत मिलेगी तो उस आइंदा दूसरे लोग भी हमारे नबी के खिलाफ में गुस्ताखी नहीं करेंगे। हमारी ये मांग है कि अगर ये कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं होती है तो अभी हमने सिर्फ दुकानें बंद करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और फिर हम एक शांतिपूर्वक रैली निकाल कर और हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। समस्त धर्मावलंबियों के द्वारा क्या आज किसी प्रकार से कोई प्रशासन के नाम ज्ञापन वगैरह सौंपा जाएगा? हाँ, हमारे मुस्लिम समाज के धर्मावलंबियों के माध्यम से तहसीलदार महोदय परसवाड़ा को राष्ट्रपति के द्वारा, तहसीलदार महोदय परसवाड़ा के द्वारा राष्ट्रपति भारत सरकार को हम अभी ज्ञापन सौंपे हैं और उसकी एक कॉपी भी हम आप लोगों को दे देंगे। फिलहाल इतना ही, आगे जानकारी मिलते ही बालाघाट खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बालाघाट खबर।
खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।